नमस्ते सदा वत्सलमय मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मणिपुर की। बहुत समय से लोग लगातार कह रहे हैं मणिपुर पर कुछ बोलिए, मणिपुर में भीमस हत्या हो रही हैं, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर फूक रहा है, प्रधानमंत्री बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, और तमाम तरह के जो भारत के तथाकथित सेकुलरिस्ट हैं जो अपने आप को भारत का वंशज नहीं मानते लेकिन वो रहते भारत में हैं, उनके सबके लगातार एक से बयान है कि साहब मणिपुर जल रहा है और उसके जलने का कारण वीरेन सिंह है। एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि 2002 का गुजरात, क्या 2002 का गुजरात अब 2023 का मणिपुर बनेगा। ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी जो 2002 में गुजरात में किया था वही इस समय वीरेन सिंह 2023 में मणिपुर में कर रहे हैं, मतलब कि फौज को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, जनता मार रही है, जनता मर रही है, और सरकार इन्फोर्समेंट में नहीं ला पा रही है और वहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ताकि रोका जा सके। अब मामला समझने की कोशिश बहुत सारी हमने करी और जो अब निकल कर आ रहा है आफ्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो बहुत कुछ है। मामला यहाँ से शुरू हुआ अभी कि एक प्रोफेसर जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनका नाम है प्रोफेसर खाम खान सुआंग हाउजिंग, खाम खान साहब, मैं खाम खान कहता हूं उनको। तो खाम खान, प्रोफेसर खाम खान का एक इंटरव्यू करण थापर ने लिया। आप करण थापर के मामले में सबको मालूम है कि करण थापर जो इंटरव्यू ले भी रहे हैं तो वो कैसे, हालांकि उन्होंने एक प्रमोद सिंह का इंटरव्यू भी लिया और प्रमोद सिंह वो हैं जो मायती समाज के लीडर हैं, मायती समाज के एक संगठन के लीडर हैं, और दोनों पर केस फाइल हुआ क्योंकि प्रमोद सिंह का जो इंटरव्यू आया उसमें उन्होंने कहा कि जो कुकीज़ हैं वो सब आउटसाइडर हैं, वो यहाँ के नहीं हैं, और उन्होंने कहा कुकियों ने डिस्टर्बेंस करके रखा है, कुकियों ने कुछ संसाधनों को अपने हाथ में रखा है, वो हमारे पब्लिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं, वो पब्लिक रिसोर्सेज को रोक रहे हैं, और इसलिए अब जनता को मजबूरी है कि अगर प्रशासन उसमें एक्टिव नहीं होगा, अगर सरकार उसमें एक्टिव नहीं होगी तो फिर भाई हम आगे बढ़कर आएंगे। तो ये कहा गया कि वे प्रमोद सिंह जी जो हैं वो इसके मास्टरमाइंड हैं। बहुत सारी बातें हुई, हालांकि वो जब वहाँ दंगे भड़क गए तो प्रमोद सिंह के खिलाफ वहाँ की सरकार ने मुकदमा कर दिया कि भाई ये जो मैथी समाज के व्यक्ति हैं इन्होंने कुकियों को क्यों आउटसाइडर बता दिया। हालांकि करण थापर उनसे जब बात कर रहे थे तो वो प्रमोद सिंह जी लगातार कह रहे थे मैं ये कह रहा हूँ कि वो अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए थे, अंग्रेज़ों ने उनको अपनी सेनाओं में भर्ती करवाया था, अंग्रेज़ों ने बॉर्डर एरिया पर उनको बसाया था, अंग्रेज़ों ने उनको संसाधन प्रोवाइड किए थे, वो अंग्रेज़ों के गुलाम टाइप के थे या अंग्रेज़ों के पिछलग्गू थे या अंग्रेज़ों के द्वारा म्यांमार वर्मा से लाए हुए लोग थे जो कि मणिपुर में रखे गए थे। करण थापर लगातार ये कह रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, क्यों ऐसा कह सकते हो, क्योंकि वहाँ जो वार मेमोरियल है INA इंडियन नेशनल आर्मी जो जिस समय अंग्रेज़ों के लिए लड़ती थी उसमें 182 लोगों में से 154 कुकीज़ हैं, तो कैसे उनको आउटसाइडर कह सकते हो। भैया यही तो कहा जा रहा है कि उस समय जो ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए थे ब्रिटिशर्स ही तो उनको लाए थे, ब्रिटिशर्स ही तो उनको पाल पोस कर रखा था, लेकिन जो उस समय आ गए, प्रमोद सिंह जी का कहना था जो उस समय अंग्रेजों के समय आ गए वो अलग बात है, लेकिन अभी लगातार आ रहे हैं जो पूरी वैली को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो पूरी वैली को पूरे के पूरे मणिपुर घाटी को खराब किए हुए हैं। अब दूसरी बात, ये जो प्रोफेसर साहब हैं खाम खान सुआंग, इनसे करण थापर ने पूछा, करण थापर इनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या कह रहे हो, तो ये कहते हैं कि नहीं साहब कुकियों को दबाया जा रहा है, कुकी माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में वो है, सरकार उनका पक्ष ले रही है, सरकार फोर्स का इस्तेमाल मैथियों के खिलाफ नहीं कर रही है, मैथी अब कुकी को मार रहे हैं, चारों ओर से घेर रहे हैं, और जब कुकियों को चारों ओर से घेर रहे हैं मैथी समाज तो फिर मैथी समाज के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरा, साथ में इन्होंने बहुत सारी मैथियों के लिए अभद्र टिप्पणियां कर डाली जो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने मैथियों को ही उल्टा दोषी ठहरा दिया, इन्होंने सरकार को दोषी ठहरा दिया। इनका कहना था कि जो
ड्रग माफिया हैं, जब करण थापर ने कहा कि भाई वहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या जहाँ से शुरू हुई वो हुई ओपियम की खेती, यानी कि अफीम की खेती, और कह रहे हैं कि भाई अफीम का ड्रग का जो व्यापार है जो कि वहाँ से बॉर्डर एरिया से बाहर भी जाता है, देश के बाकी कोनों में सप्लाई होता है, तो ये जो अफीम की खेती है और इस खेती की वजह से या ड्रग्स की सप्लाई है वो तो सब कुकियों के हाथ में है और कुकी क्षेत्रों में है, ऐसा मतलब कुकियों के हाथ में नहीं लेकिन कुकी क्षेत्र मतलब पहाड़ी हिल्स एरिया में है। तो फिर इनका कहना था कि जो मंत्री हैं एक तो वीरेंद्र सिंह की सरकार में वो खुद माफिया बहुत बड़े हैं, वो ड्रग्स के माफिया हैं, तो ड्रग्स के माफिया यानी कि ड्रग्स का काम तो ये लोग करते हैं और इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हैं, और ये कहते हैं कि नहीं ड्रग्स की वहाँ समस्या तो है, ड्रग्स का वहाँ बहुत बड़ा कारोबार है, ड्रग्स पर सरकार जो कर रही है वो अच्छा है, लेकिन इस ड्रग्स के कारोबार में प्रशासन शामिल है, ड्रग्स के कारोबार में शासन शामिल है, ये इन्होंने कह डाला। हालांकि जैसे मैंने कहा प्रमोद सिंह के खिलाफ मुकदमा हुआ तो ये मिस्टर खान के खिलाफ भी हुआ, और मिस्टर खान के खिलाफ जब मुकदमा हुआ भाई कि आपने कम्युनिटी को भड़काया है, कम्युनिटी को के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, कम्युनिटी को ये कर रहे वो कर रहे, और सेम टाइप का मुकदमा उधर प्रमोद सिंह के खिलाफ हुआ। प्रमोद सिंह तो नीचे अदालत में लड़ रहे हैं, लेकिन भाई प्रोफेसर खान ये तो चूंकि अप्रोच वाले आदमी हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो प्रमोद ये खाम खान साहब ये सुप्रीम कोर्ट चले आए, सीधा सुप्रीम कोर्ट, सीजीएम की अदालत में मुकदमा फाइल हुआ, सरकार ने मुकदमा लिखा, सीजीएम की अदालत ने इनको नोटिस कर दिया, इनके खिलाफ वारंट शॉरेंट कुछ कर दिया, उसको लेकर ये ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, ना मतलब सेशन कोर्ट में जा सकते थे, वहाँ गए सीजीएम की अदालत में भी प्रस्तुत नहीं हुए, हाई कोर्ट में भी नहीं गए और सीधा सुप्रीम कोर्ट में चले आए, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इनको सुनने की कार्रवाई भी कर ली। आज उनको इनकी सुनवाई होनी थी, दुर्भाग्य से चीफ जस्टिस आज छुट्टी पर हैं, इसलिए अब 31 तारीख को इनकी सुनवाई होगी। अब आप सोच लीजिए कि कहां प्रमोद सिंह बेचारे मैथी समाज से और कहां कुकी समाज के प्रोफेसर खान जिनको लेकर, और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में है प्रोफेसर खान, और बहुत सारी लॉबिंग इनके साथ लगी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट अप्रोचेबल है, बड़े लोगों के लिए अप्रोचेबल है, अच्छे लोगों के लिए अप्रोचेबल है, अच्छे से मतलब है जिनके पास संसाधन है, जिनके साथ एक इकोसिस्टम बना हुआ है तमाम, और सुप्रीम कोर्ट भी इनको सुनने के लिए तैयार है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इनको सुनने के बाद ये कह दे कि भाई हाई कोर्ट जाओ, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इनको कह दे कि सीजीएम की अदालत में जाकर जमानत करवाइए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं भाई अपीलिंग कोर्ट में जाइए, और ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि भाई ये तो फंडामेंटल राइट है, कोई भी किसी के लिए भी कुछ भी कह सकता है, और वो अपना बयान दे रहे थे, आखिरकार प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस के, इसलिए पॉलिटिकल स्टेट देना उनका अधिकार बनता है, अतः इनके खिलाफ इस तरह का आप बोलने भी नहीं दोगे किसी समाज के खिलाफ या किसी सिस्टम के खिलाफ, तो फिर भाई ये तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है और इसलिए इनकी एफआईआर क्वैश की जाती है, ये भी संभव है। अब कुछ भी होगा सुप्रीम कोर्ट जब सुनेगा, जब सुनवाई के बाद कोई बात आएगी तो समझ में आएगी। हालांकि इकोसिस्टम ये दिखाई दे रहा है कि पूरे देश में कुकी समाज का एक इकोसिस्टम बना हुआ है, इसीलिए यूरोपियन यूनियन में आपको याद होगा कि कुकीज को लेकर यानी कि मणिपुर दंगे को लेकर एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, और वो रेजोल्यूशन इसलिए पास हुआ था क्योंकि कुकी समाज जो है या नागा जो उस हिल एरिया में रहते हैं, नागा और कुकीज खास तौर से, वो ईसाइयत को फॉलो करते हैं। किसी मुसलमान पर भारत में समस्या आए और मुसलमान समस्या ना आए, मुसलमान को लगे कि नहीं मेरे खिलाफ़ वो हो रहा है तो भाई खाड़ी के दे, वो ऐसी बोलेगा, और अगर किसी ईसाई चाहे वो भारतीय क्यों ना हो, ईसाई के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या कुछ भी अच्छा खराब होगा तो फिर यूरोपियन यूनियन बोलेगा, लेकिन हिंदू समाज पर होगा तो कौन बोलेगा इसका कुछ अता पता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम कोर्ट, प्रशासन, शासन, वो भी सब कहेगा माइनॉरिटी बेचारे माइनॉरिटी हैं और मेजॉरिटी तो क्या, यानी कि भारत में भी न्याय मिलने के लिए आपको अप्रोच की आवश्यकता है, भारत में न्याय पाने के लिए आपको बहुत बड़े इकोसिस्टम की जरूरत है जो मेजॉरिटी के पास नहीं हो सकता क्योंकि आप तो मेजॉरिटी हैं। खैर, वो जो इकोसिस्टम का इस्तेमाल होगा, और जैसे मैंने कहा संभावनाएं सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या आदेश हो सकता है, लेकिन ये जो इनका स्टेटमेंट है खाम खान सुआंग का, उस स्टेटमेंट के बाद कुछ आर्टिकल्स पढ़ने को मिले तो मालूम पड़ा कि मणिपुर का जो टोटल लैंड है, जो टोटल जमीन है, उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो वैली है
जो वैली एरिया और दूसरा हिल एरिया, ये दो हिस्से हैं, दो एरिया हैं उसमें। वैली एरिया पूरी पूरी के पूरे क्षेत्रफल का केवल 10% है और 90% हिल एरिया है। हिल एरिया में मणिपुर के जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुझे लगता है 16 डिस्ट्रिक्ट होंगे, मणिपुर के टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हिल एरिया में आते हैं और 10 डिस्ट्रिक्ट नीचे वैली एरिया में आते हैं। वैली में 60% के लगभग आबादी है और हिल एरिया में 40% टोटल आबादी, यानी कि 90% क्षेत्र में 40% आबादी है और जो 10% क्षेत्र बना उसमें 60% आबादी है। ये जो 60% आबादी है ये मोस्टली मैथियों की है, और जो 40% आबादी है जिसने 90% क्षेत्र को, मणिपुर के पूरे क्षेत्रफल के 90% क्षेत्र को ले रखा है और जिसमें अफीम की खेती होती है, जिसमें ड्रग्स का कारोबार होता है, जो लोग ईसाइयत को फॉलो करते हैं, ईसाइयत को फॉलो करते हुए वो मैथियों को उठने नहीं देते, ऐसा कहा जा रहा है, मैथियों को वो वहाँ पनपने नहीं दे रहे, ऐसा मैथियों का आरोप है। उनका कहना है सारे संसाधन इनके पास हैं और ये सब। अब इसमें वीरेंद्र सिंह जी की जब सरकार बनी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जैसा वैली में था, वैली से मतलब जम्मू कश्मीर में था, वैसा ही कुछ यहां पर था। अब क्या है कि 90% एरिया में जहां ड्रग्स का काम होता है या जहां तमाम तरह का ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ओपीएम का काम और ये काम वो काम होता है और कुछ एक पार्टिकुलर समुदाय के कब्जे में वो कुछ है, वहाँ एक्शन लेना शुरू किया और सरकार ने, क्योंकि सरकार तो बनी थी ड्रग्स के खिलाफ काम करने के लिए, सरकार ने वहाँ एक्शन लेना शुरू किया और एक्शन लेकर हजारों बीघा या हजारों एकड़ जमीन को कल्टीवेट कर दिया जहाँ पर ओपीएम का खेती हो रहा था, जहाँ पर अफीम का पैदावार हो रही थी, सरकार ने वहाँ उजाड़ना शुरू कर दिया। अब ये कहीं बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कुछ लोगों को, जो ड्रग माफिया रहे होंगे, जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, जो इंटरनेशनल ड्रग्स का कारोबार करते हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। और ड्रग्स का कारोबार करने वाले भाई सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जा सकते हैं, धनों की कोई कमियाँ नहीं है, धन उनके पास है क्योंकि ड्रग्स से संबंध है उनका, अगर इसलिए उनके पास इकोसिस्टम है, उनके पास धन है, उनके पास खरीदने का माजदा है। लेकिन सरकार बदल गई है और वहाँ सरकार बदलने के बाद वीरेंद्र सिंह की सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया है और उस एक्शन में दोषियों के खिलाफ मुकदमे होने शुरू किए, कल्टीवेशन शुरू हो गया, अफीम की पकड़ाई धकड़ाई शुरू हो गई। इस पर खलबली होना स्वाभाविक था, केवल वहाँ नहीं होगा, वो पूरे देश में जहाँ इकोसिस्टम बना होगा, जहाँ जहाँ वो अफीम सप्लाई हुई होती होगी, जहाँ जहाँ ड्रग्स का कारोबार होगा और जो जो पॉलिटिशियन भी उसमें जुड़े होंगे, जो ड्रग्स कारोबारी उसमें जुड़े होंगे, जो स्मगलर्स उसमें जुड़े होंगे, उन सबको खलबलाहट होना स्वाभाविक है। अब उसमें मैथी कर रहा हो या कुकी नागा कर रहा हो, लेकिन जो कोई भी कर रहा होगा उसके खिलाफ अब वहां माहौल, उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है और उसके खिलाफ एक्शन होने पर पूरे देश में उसका रिएक्शन होना स्वाभाविक है, तो वो उसका रिएक्शन भी हो रहा है। ऊपर से हाई कोर्ट ने एक आदेश कर दिया, उन्होंने कहा भाई मैथी समाज भले ही वैली में रहता है, मैथी समाज यहाँ का बहुत एंशंट समाज है, कुकी समाज बहुत बाद में आया है, लेकिन अंग्रेजों ने कुकियों को रिजर्वेशन दिया था, अंग्रेजों ने कुकियों और नागाओं को ईसाई समुदाय, चूँकि अंग्रेज तो आप जानते ही हैं, इसलिए मैं लगातार कहता हूँ कि भारत में उस शासन को अंग्रेजी शासन नहीं कहना चाहिए, उसको ईसाइयत शासन कहना चाहिए, मुसलमान, मुसलमानों के बाद ईसाई शासन, और ईसाई शासन के दौरान उन्होंने एक भारत में मुहिम चलाई थी कि कैसे लोगों को ईसाइयत स्वीकार करवाई जाएगी। ये संभव है कि ईसाइयत और नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में तो उन्होंने खूब काम किया ईसाइयत को स्वीकार करने के लिए, वो आदिवासी क्षेत्रों में बहुत काम किया ईसाइयत कैसे स्वीकार करेंगे लोग, और ईसाइयत के मामले में प्रिंसली स्टेट्स के मामले में जो डेटा कहता है 1941 की जनगणना, वो ये कहती है कि अप्रॉक्स 49% लोग ईसाइयत फॉलो कर रहे थे। अब आप सोचो 49% लोग कहाँ से आएंगे, 49% वो हो गए, 13% उस समय मुसलमान हो गए, दोनों मिलाकर 62% और हिंदू बचा 68%,
प्रिंसली स्टेट्स के अंदर 38% हिंदू और बाकी ईसाई और मुसलमान, ये अंग्रेजी डेटा कहता है। तो वो कौन से ईसाई रहे होंगे? वो ईसाई रहे होंगे जो क्रिप्टो क्रिश्चियन बन गए होंगे, जिनको उनको लगता होगा कि दे आर इन द पाइपलाइन और ये बहुत जल्दी ईसाई बन जाएंगे, क्योंकि इनको इनके धर्म से, इनके देवी देवताओं से उन्होंने वंचित कर दिया। चाहे वो लाभ के लिए किया हो, चाहे माइग्रेशन करवा कर किया हो, चाहे उनको रिजर्वेशन देकर करा हो, चाहे उनको सेना में भर्ती नौकरी करके दिया हो, और चाहे उनको संसाधन प्रोवाइड किए गए हों। कहीं इस पर देखना होगा, कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि 90% क्षेत्र में जहाँ अफीम का कारोबार होता है, वहाँ पर किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाले एक समुदाय के लोग हैं, और वो एक समुदाय के लोग अंग्रेज परस्त होते थे। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि दे ऑल आर द आउटसाइडर्स एंड दे वॉज इमिग्रेटेड बाय और दे वॉज शिफ्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, बाय द ईसाइज, बाय द क्रिश्चियंस एट दैट टाइम। अब यहाँ पर ये तो चल ही रहा था, ऊपर से जैसे ही ये जो मैती समाज है, मैती समाज को रिजर्वेशन के लिए, यानी कि उसको एसटी स्टेटस देने की बात कही गई और ये कहा गया कि उसको प्रदेश के संसाधनों के लिए एलिजिबल हैं, वो प्रदेश के संसाधनों का इस्तेमाल वो कर सकते हैं और वो अब राज्य के अंदर एसटीज होंगे। आप सोचो, वैली में रहते हैं, माइनॉरिटी हैं, मेजॉरिटी में हैं, 60% आबादी कवर करते हैं, टोटल आबादी का ऐसा कहा जाता 70-30 का रेशियो है, 70% में या 30% में या 32% में कुकी और नागा मिलकर रहते हैं और बाकी का मैथी और समाज रहता है। जैसे प्रमोद कुमार ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं ओरिजिनल इनहेबिटेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल इनहेबिटेंट मैथीस को कर रहा हूँ। वहाँ पर मारवाड़ी रहते हैं, वहाँ पर राजस्थानी रहते हैं, वहाँ पर बिहारी रहते हैं, वहाँ पर कुकीज रहते हैं, वहाँ पर नागा रहते हैं। मैं सबको कह रहा हूँ कि दे आर द आउटसाइडर्स, मैं केवल नागा या कुकियों को नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ कि दे आर द आउटसाइडर्स। तो फिर समस्या कहाँ है? हाँ, ये ज़रूर है, दे आर द रेजिडेंट राइट नाउ, दे आर द रेजिडेंट, वो वहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनको माइनॉरिटी का स्टेटस देना और उनको माइनॉरिटी का स्टेटस देके संसाधनों का पूरा उनको दे देना, जो बाहर से आए हुए लोग हों और जो वहाँ का ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, जो वहाँ का ओरिजिनल निवासी है, जो हजारों वर्षों से वहाँ पर रह रहा है, उसको आप बाहर कर दें, तो वो ईसाइयत की पॉलिसी, वो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, वो आज के स्वतंत्र हिंदुस्तान में पॉलिसी क्यों है? ऐसा प्रमोद कुमार कह रहे थे, प्रमोद सिंह कह रहे थे कि आज के स्वतंत्र भारत में ऐसे वो पॉलिसी क्यों है? आज के स्वतंत्र भारत में जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, जो वाकई में आदिवासी है, उसको एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, और हाईकोर्ट ने अगर आदेश किया है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते, आप सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील करते। अभी कर रहे हो कि नहीं? मिस्टर खान जा रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट? सीधा सुप्रीम कोर्ट सुनने को भी तैयार है। आप जाते हाई कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात बताते, लेकिन उसकी बजाय दंगे फैलाने शुरू कर दिए। और कुकी समाज, कुकी और नागाओं के वो इकट्ठे समूहों ने वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि प्रोटेस्ट के साथ साथ, प्रोटेस्ट तो आप जानते ही हैं, भारत में सीएए के दौरान आपने शाहीन बाग और कैसे कैसे प्रोटेस्ट देखे थे, वैसे ही कोई प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। सरकार उसमें प्रोटेक्शन कर रही थी, सरकार के इस कार्रवाई में, सरकार जब एक्शन ले रही थी तो उन्होंने मैतियों को क्या क्या नहीं किया, बड़ा बड़ा बुरा बुरा बोला, ऐसा बोलते हैं। ऐसा भी बोलते हैं कि मैतियों के खिलाफ जो वहाँ मतलब भड़का गया तो मैतियों को नुकसान करने लगे, अगर मैतियों का नुकसान करने लगे तो फिर उन्होंने उल्टा अपने बचाव में आगे आना शुरू कर दिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2002 के मोदी जी आज 2023 में वीरेंद्र सिंह के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों का ये जो ये लोग हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह, जैसे खासतौर से वो आरफा खानम को मैं देख रहा था, वो कह रही हैं कि भाई क्या तुलना करी जाए। उनका कहना था कि वीरेंद्र सिंह फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, चूँकि मैथी समाज इस समय मेजोरिटी में है और मैथी समाज अब कुकियों के संसाधनों पर हमले कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं। सच क्या है वो तो फैक्ट लोग इकट्ठे करेंगे और लाएंगे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, वो आरोप हैं ऐसे। तो फिर ऐसी परिस्थिति में वीरेंद्र सिंह दंगे नहीं रोक पा रहे हैं या नहीं रोक रहे हैं, ये जानबूझकर किया जा रहा है। बीजेपी लेड गवर्नमेंट हिंदुओं का वहाँ सपोर्ट कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। जबकि इनका कहना था, प्रोफेसर खान का, ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम
जो सेकुलरिज्म का फार्मूला है, जिसको हम सेकुलरिस्ट स्टेट मानते हैं, जो सेकुलरिस्ट देश है, ऐसे देश में आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि कम्युनिटीज़ के बीच में आप भेदभाव कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे आरोप लगातार लोग लगा रहे हैं, उनमें किस में कितनी सच्चाई है ये तो भविष्य बताएगा, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन मुझे जो फैक्ट मिले, मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं हूँ, किसी ग्रुप के विरोध में नहीं हूँ, मैंने जो कुछ कहा वो तथ्यों के आधार पर, जो जिसने कहा वैसा मैंने आपको बताया, लेकिन अब डिसीजन आपका है। खबरें वहाँ से अब खूब आने लगी हैं, राइटर सब खूब लिखने लगे हैं, लोग बोलने को तैयार हैं, इसलिए इनको अब मोदी जी का बयान पार्लियामेंट के अंदर चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।